प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आइए एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और केमिस्ट्री क्लास में। बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए जैव अकार्बनिक रसायन। हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले लेक्चर में बात करी थी। हमने जैविक के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स हैं, किस आवश्यक तत्व हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। आज ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस का मतलब होता है सूक्ष्म, जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेकिन बहुत जरूरी है। शरीर में कैसे ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता के बिना शरीर चल नहीं सकता। जैव की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो नहीं हो सकती, जिनकी क्वांटिटी तो बहुत कम चाहिए लेकिन उपस्थिति 101% होनी चाहिए। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ट्रेस एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने कल टेबल में पढ़ा था कि मैंगनीज, निकल, आयरन, आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, टिन, जिंक, बोरोन, फ्लोरीन, जिंक, एल्युमिनियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सेलेनियम एंड वैनेडियम, ये सभी थे जिनको हम लोगों ने सूक्ष्म तत्व कहते थे, जो मुख्यतः 1% से भी कम मात्रा में होते हैं। आज हम बात करेंगे निश्चित इनकी इंडेक्स काटे। ये तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं हम जानते हैं, इसीलिए इसको हमने ट्रेस कहा है। लेस, बहुत ही अल्प क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हमने इसको ट्रेस एलिमेंट्स कहा है। इनमें अधिकांश तत्व धातु है। अभी तक वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, अब ये मेटल्स हैं मोस्टली। ये जो है ये ट्रेस क्या है, एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स भी कह सकते हैं क्योंकि मुख्यतः मेटल ही है ये। अब ये मेटल्स कौन कौन से हैं, ये मेटल्स है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड लिथियम। अब इसमें ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे आप जानते हो ट्रांजिशन मेटल्स है, लेकिन ये एक एस ब्लॉक है, लेकिन है ये सारे के सारे मेटल्स, कौन से कह सकते हैं हम इसको, ट्रेस मेटल्स कह सकते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक है अल्प मात्रा में, 1% से भी कम क्वांटिटी चाहिए। आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्वांटिटी कम है, इसीलिए हमने इसको ट्रेस एलिमेंट्स कहा गया है। मोस्टली मेटल्स है और मेटल्स के अंदर भी ट्रांजिशन मेटल्स है, और ये वाला सिर्फ लिथियम है, ये एल्कली मेटल्स है। अधिकांश धातुएं मेटलो एंजाइम के रूप में पाई जाती है, जो धात्विक प्रोटीन का सबसे बड़ा भाग है। मेटलो एंजाइम, ये जो मेटल्स है ये किस में है, मेटलो एंजाइम, इस फॉर्म में पाई जाती है, मेटलो एंजाइम के फॉर्म में पाई जाती है, मेटलो एंजाइम के फॉर्म में पाई जाती है, जो मेटलिक प्रोटीन का ही भाग है। ये किसका पार्ट है, मेटलिक प्रोटीन का पार्ट ऑफ मेटलिक प्रोटॉन, पार्ट ऑफ मेटलिक प्रोटीन इज मेटलो एंजाइम व्हिच इज मेड बाई ट्रेस मेटल्स, प्रिपेयर बाई ट्रेस मेटल्स। मेटल्स धातु आयन इन एंजाइमों का एक एक्टिव सेंटर होता है। अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये मेटल आयन मेटल एंजाइम एंजाइम्स की कैटालिटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जानते भी हैं कैटालिटिक रिएक्शन के लिए ये मेटल आयन जरूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ये मेटल आयन प्रोटीनों में रेडॉक्स सेंटर का भी काम करते हैं। इन मेटल्स के अलावा कुछ नॉन मेटल्स, ये तो मेटल्स के, अब कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे हैं जिनके बहुत ही सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं लेकिन शरीर में आवश्यकता है। ये कौन कौन से हैं, ये हैं नॉन मेटल्स की बात करेंगे हम, नॉन मेटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आयोडीन। आयोडीन थायराइड का हम जानते हैं, थायरॉइड थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन बहुत जरूरी है इसके लिए। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है, किसके लिए, थायरॉइड ग्लैंड, इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, ट्रेस रूप में कम क्वांटिटी में चाहिए। फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत करता है, फ्लोराइड
किसके लिए? टीथ। किसके लिए? इनेमल को मजबूत करता है, इनेमल को, दांतों के अंदर जो इनेमल है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य किसका है? फ्लोराइड का। यह उससे ओवल समूह को विस्थापित कर देता है। सेलेनियम, सेलेनियम ये ऐसा धातु जो है ये कुछ रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइम के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज को H2O2, ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज जो H2O2 को H2O में परिवर्तित करता है, ये सेलेनियम का ही एक यौगिक है। H2O2 किसमें कन्वर्ट किया? H2O में। किसने किया? ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये किया ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज, याद रखिएगा ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज। और ये ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज किसका बना हुआ है? ये सेलेनियम धातु का बना हुआ है। तो ये सेलेनियम धातु यहां पर एक मान सकते हैं कैटेलिटिक का काम कर रहा है, जो कि H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा है। तो सेलेनियम एक नॉन मेटल है, ट्रेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, लेकिन बॉडी में बहुत जरूरी आवश्यक है। यह तत्व बोरोन, अब बात करें हम बोरोन की, ये सेलेनियम की बात कर ली हमने, बोरोन, अब बोरोन है ना, ये ग्रीन एल्गी के लिए जरूरी है। ग्रीन एल्गी जो वनस्पति विज्ञान में हम इसकी स्टडी करते हैं, शैवाल, हरित शैवाल, बोरोन हरे शैवाल तथा ऊंचे पौधों के लिए आवश्यक है। यह तत्व संभवत है चूजों तथा चूहों के अस्थि पंजर के विकास के लिए आवश्यक है। बोरोन ध्यान रखिएगा, चूजे, चिकन, चिकनेस एंड रैट्स, इनका जो कंकाल बनता है, हड्डियां बनती है, उसके लिए बोरोन जरूरी है। जनरली हाई प्लांट्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड संरचना कार्य करने के काम आता है, ऑल्दो मोस्टली एलिमेंट जैविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस में आर्सेनिक एक अति सूक्ष्म तत्व है, याद रखिएगा यहां पर आर्सेनिक के बारे में, आर्सेनिक एक अति सूक्ष्म तत्व है जो लाल शैवाल, हरित शैवाल नहीं, लाल शैवाल, हरित शैवाल तो बोरोन है, आर्सेनिक की बात करें तो ये रेड एल्गी चूहे, चूचा, चूहा, बकरी, ये एलिमेंट जैव अर्थात हम कह सकते हैं जीव तथा सामान्यतः मनुष्य में भी आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से वृद्धि में कमी आती है तथा मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। ये यदि कम होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ डाउन हो जाएगी और मृत्यु दर बढ़ जाएगी, डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब आर्सेनिक की कमी हो जाएगी। तो आर्सेनिक भी अपने आप में बहुत जरूरी तत्व है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में, अति सूक्ष्म क्वांटिटी में, इसीलिए हम इनको ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोचक, जिसके बारे में कह सकते हैं कि हमें इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो आप लोग इसके नोट्स भी बनाते रहें और साथ साथ में इसको पढ़ते रहें, क्योंकि ये अपने शरीर से, जीवों से, प्लांट्स से, इनसे जुड़ा हुआ है। तो आपको पढ़ोगे तो आपको इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, रोचक लगेगा। और छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है। ये जब चैप्टर हो जाएगा तो हमारी तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ वैसे तो एक और है, पॉलीमर्स भी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। आप पीडीएफ की सहायता से नोट्स जरूर बनाइएगा, लेकिन आप एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जनरली वे के अंदर कुछ ऐसे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं
जिनकी आवश्यकता जीवों को बहुत जरूरी होती है लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत ही कम होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, उनको हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। मुख्यतया ये धातु होते हैं, मुख्यतया ये धातु होते हैं, और धातु भी जो होते हैं उसको मेटल एंजाइम कहते हैं, और मेटल एंजाइम किस चीज़ है, जो मेटलिक प्रोटीन का ही एक पार्ट है। ये बात होती धातु की, लेकिन धातु के अलावा कुछ ऐसे अधातु भी है जो ट्रेस क्वांटिटी में अर्थात सूक्ष्म क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे आयोडीन है, फ्लोराइड है, सेलेनियम है, बोरोन है, आर्सेनिक है। आयोडीन थायरॉइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, आयोडीन नमक खाइए, आयोडीन कम हो गया, आयोडीन नमक के अंदर आयोडीन खाइए, पढ़ते हैं सुनते हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जिनको बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, थायरोक्सिन की प्रॉब्लम है, आयोडीन कम कर दो, नमक कम कर दो, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आयोडीन चला गया है, चाहिए कम, चला गया ज़्यादा, बीपी प्रॉब्लम हो गया। तो क्वांटिटी कैसी चाहिए, सूक्ष्म, लेकिन चाहिए। फ्लोराइड, अरे दांत का इनेमल मजबूत करता है, दांत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, हालांकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना दांतों के क्या खाएंगे हम, कुछ भी नहीं खा सकते, गन्ने को कैसे चबाएंगे, नहीं चबा सकते, चने कैसे खाएंगे, नहीं खा सकते, तो खाने के लिए इनेमल मजबूत चाहिए, और इनेमल मजबूत चाहिए तो हमें फ्लोराइड जरूरत होगी, क्वांटिटी लेस, कम, बहुत कम। सेलेनियम H2O2 को H2O में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज, जो किसका पार्ट है, सेलेनियम का, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बॉडी में इंपॉर्टेंट रिएक्शन, H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बॉडी का 80% पार्ट बना हुआ है, सारी रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, बिना वाटर के नहीं हो सकती। बोरोन ग्रीन एनर्जी के लिए, हरे शैवालों के लिए काम है, आर्सेनिक लाल शैवालों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बढ़ता है, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनकी ग्रोथ डाउन होती है, डेथ रेट बढ़ती है, यदि ये क्वांटिटी में प्रेजेंट ना हो। अति सूक्ष्म क्वांटिटी में हमें आर्सेनिक भी चाहिए, हम कहते हैं आर्सेनिक बहुत जहरीला है, आर्सेनिक खाते ही मर जाता है, लेकिन फिर भी शरीर में इसकी सूक्ष्म क्वांटिटी तो जीव को चाहिए। तो ये बात थी हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कल हम बात करेंगे पोरफायरिन रिंग की, बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, बात करेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन की, बात करेंगे कैसे ऊपर उठ जाता है, कैसे नीचे आ जाता है, कैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है, फिर कैसे कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन होता है, कैसे ऑक्सीजन हर एक पार्ट्स तक पहुंचती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ करके एनवायरमेंट में अपने सांस के थ्रू बाहर निकलती है, ये सब बात डिस्कशन करेंगे पार्ट इसी का ही। तो बने रहें आप मेरे साथ, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर मेरे चैनल को करते रहें। लेकिन एक विलासी को आपसे मिला है, आप देखिए, देखने की संख्या बहुत कम है, व्यूअर्स बहुत ही कम है, प्रिय बच्चों आप देखिए, क्योंकि घर बैठे हुआ पैंडेमिक टाइम है, कॉलेज में नहीं आ सकते, तो ये हमारा एक तरीका है, इस तरीके की सहायता से आप इसमें पढ़िए, आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मेल कीजिए, मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम का, मैं सॉल्यूशन करूँगा। आप इस टॉपिक को याद करके इसके असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, और जब आप कंप्लीट कर देंगे असाइनमेंट तो आपको याद हो जाएगा टॉपिक। तो मेरा एक बात और आपसे कहना है, ये सब होगा, होता है और होता रहेगा, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, अपने आप को इस वैश्विक महामारी कोरोना से, COVID-19 जो कि कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, उससे बचाएं, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, SMS का यूज करते रहें, S4 सोशल डिस्टेंस, M4 मास्क, एंड S4 सैनिटाइजर, घर से बाहर ना जाएं, जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, वो भी अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं, कपड़े का लगाते हैं तो भी साफ सुथरा मास्क लगाएं, एक मास्क को लगाने के बाद उसको 3 दिन तक धूप में रखें या उसको वॉश करें, फिर धूप में सुखाएं, फिर उसको रीयूज करें, सेम मास्क को दूसरे दिन आप ना यूज करें, घर पे आते ही 20 से 25 सेकेंड तक अपने हाथ को साबुन या डिटर्जेंट से जरूर धोएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।